जो चीज प्रेडिक्टेबल थी वो ही चीज हुई है, तो बिग बॉस ने सही ही किया है, नहीं तो बिग बॉस कुछ और चीजें घुमा देते हैं, जैसे कि जिया और आलिया जो है नॉमिनेटेड थी, और डेफिनेटली सब लोगों को पता था कि आलिया ही होने वाली है, और बिग बॉस को भी पता था कि भाई इतना खींचेंगे तो भी तो आलिया ही बीबीगेट के बाल पे बाहर जाएगी, इससे पहले जो है पहले ही जनता से सवाल पूछ लिया जाए और एक एविक्शन कर दी जाए, क्योंकि यहां पर लंबा समय नहीं है। तो सब लोगों से पूछा और अभी जो है आलिया का सामान बेल बॉय जो है ट्रॉली में डाल के ले गया है, जिया जो है सेफ हो चुकी है, आलिया जो है सबको मिल चुकी है, वहीं पर आलिया जो है काफी ज्यादा उदास भी है, पर सब लोगों को यही बात बोल रही है कि सब लोग काफी ज्यादा अच्छा खेलो और दिल लगा के खेलो और अपनी टीम को जिताओ। हालांकि आलिया के लास्ट मोमेंट काफी ज्यादा नेगेटिव गया है, लोगों ने बहुत बुरा भला बोला है आलिया को, जहां पर मुझे ये लास्ट वाली बातें जो है इवन पूजा भट्ट के मुंह से और फलक के मुंह से और अविनाश के मुंह से बेबिका के मुंह से अच्छी नहीं लगी कि भाई कोई जा रहा है तो उसके ऊपर आप लोग इतना लांछन लगा रहे हैं और अभी इतना ज्यादा हक करके मिल रही है, इतना ज्यादा खुश हो रही है कि मतलब कि उन्होंने कौन सी बड़ी जंग जीत ली हो और उन्होंने किसी को मिलके निकाल दिया हो, जो कि मुझे इनका रिएक्शन अच्छा नहीं लगा है। पर वहीं पर जो है आलिया की टीम भी उदास है आलिया के साथ, चलो ठीक है अच्छी बात है कि वो चली गई अपने बच्चों के साथ जाएगी, नहीं तो और ज्यादा लांछन उड़ाती है, ऐसी पर्सनालिटी हैंडल नहीं कर सकती है, बट मैं तो आलिया को अच्छा ही बोलूंगी अब तक। आपका क्या विचार आप बताइए, इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।